रंगरा के दो गांवों में किया गया 250 लोगों का वैक्सीनेशन। रंगरा चौक प्रखंड के तिनटंगा दियारा और जहांगीरपुर वैसी गांव में कुल मिलाकर 250 लोगों का कोविड-19 से बचाव के लिए सोमवार को वैक्सीनेशन किया गया है। तिनटंगा दियारा में डॉक्टर SB रानी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन किया गया और जहांगीरपुर वैसी में डॉक्टर पिंकेश के नेतृत्व में वैक्सीनेशन किया गया है। समग्र रूप से दोनों जगहों पर धर्मेंद्र कुमार ओझा, रंजीत कुमार, मिथिलेश कुमार, रोशन कुमार मौजूद थे। रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि कोरोना का टीका लेने वाले सभी लोगों की स्थिति सामान्य है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वानी विवाह भवन 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165, 9431884830। रंगरा PHC में 90 लोगों का हुआ कोरोना जांच, रिपोर्ट 2 दिन बाद। रंगरा PHC में सोमवार को 90 लोगों का कोरोना जांच RT-PCR से किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा के PHC प्रभारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों का सैंपल भागलपुर जिला अस्पताल के लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद घोषित किया जाएगा। पांच लीटर देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने भीमदास टोला से 5 लीटर देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गिरफ्तार युवक भीमदास टोला निवासी आशीष कुमार है। पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 800 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहने कुल 16 लोगों से 800 रुपये जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि थाना क्षेत्र के विभिन्न लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।